मुख्यमंत्री मनोहर लाल मारी 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 अपने पीछे जाके अमित शाह आया परसों, तीन जगह जाके आए, तीनों जगह करोड़पति उम्मीदवार। आज जाके देखो बीजेपी के मुख्य उम्मीदवारों को कोई एक ऐसा नहीं है जो गरीब करता। हमने जो ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिसके पास शायद एक कमरा खुलता हो, चाहे पालीगंज का जयदेव हो, चाहे तेज बहादुर हो, चाहे रमेश भोजी हो, चाहे हमारी दो टीचर संतोष दहिया हो, का आपके गांव को भी सम्मान मिला। मैंने नहीं मेरा तो पुराना है तो योगेश पर मेरे फायदा हो गया सुबह में 1000 वोट के लिए। और भाई अपनी जनता के लिए रिश्तेदारी है सारी जो सुबह लिए बैठे थे, आपका छोटा आपका बता हुआ और कुछ किए तो बता दे। अब तो एक चीज है कि मैंने गोद ले लिया और मैंने मुझे निवेदन प्रार्थना आपसे करता हूं कि आज दिन कमर कटके बीजेपी मेरा नहीं के लोकतंत्र अपनाएगी। ये लड़ाई झगड़े में भी कर सकते हैं, कल कर दिया है कि काम मैं इनके अंदर निर्दलीय उम्मीदवार के ड्राइवर को उनको चारों में भेज दिया। साथियों आज परिस्थिति आपके अनुकूल है, लोग बदलाव चाहते हैं। चाणा की ये सीट पर तो ऐसी हालत बन गई कि 2000 दिनों में वीरेंद्र सिंह जी इतने बैठ जाएंगे, घूमते फिरते कहेंगे अगर मैंने वोट ना दो तो सपना ना दिए परिवार में दे दिए, वो कह के जा सकते हैं। उनको इतना ज्यादा हार का डर पड़ चुका है, मगर आपसे मेरी अपील है जोश में होश नहीं खोना। हमारा तो अगले 8 दिन का काम है, एक एक कोटी भरने में जो निर्णय की चुकाई करते हैं, एक किसान कच्चे पीते भी नहीं छोड़ता, उसको भी छटके जाकर छुपाता कि छुपारा आ जाएगा। इन 9 दिनों में कोई साथी ना छोड़ो, मेरा नहीं 9 दिन वोट डालते डालते रिपोर्ट होकर आपके पक्ष में होता है। पर वो मुमकिन जब होगा जब आप आज से उस वोटर को छूने का काम करेंगे। साथियों बीजेपी वाले इश्तिहार चला रहे हैं ईमानदारी का प्रतीक मनोहर लाल, ना बच्ची ना खत्ती में हो सकता है। मुझे एक चीज बताओ, कभी चोर अपने आप को चोर कहता है? और क्या ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का ढोंग सीखना पड़ता है? ये वो चोर है बीजेपी वाले जिसे 5000 करोड़ तो माइनिंग में खा, 1000 करोड़ रुपया आपके किलोमीटर स्ट्रीट रोडवेज में था, 100 करोड़ रुपए बिजली के मीटर लगाने के बाद, और 25 करोड़ रुपए SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति में था। साथियों आप सोचो हमने ना गरीब छोड़े, ना व्यापारी छोड़े, ना किसान छोड़े। कहते हैं किसान की आय दुगनी कर देंगे, 5 साल में सुबह में किसी की दुगनी हो रही हो, मगर कृषि मंत्री की आय 5 गुना होगी। मैं तो पूछना चाहूंगा खट्टर साहब से कि ऐसा के चमत्कार कृषि मंत्री को करके दिखाया कि किसान के ऊपर तो कर्जा मिल गया दुगना हो गया, पर कृषि मंत्री अपनी आय को 5 गुना करे। साथियों बात समझने की और देखने देश के जात पात।